आज हम लोग रसायन जो हम लोग केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ाई कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस या अनुनाद संरचना के बारे में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या उसको हिंदी में कहते हैं अनुनाद संरचना। तो इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनाद संरचना। तो इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि पहले ओजोन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं ओजोन का लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। तो ओजोन का चाहे परिभाषा इधर लिख देंगे, इधर अनुनाद का, इसका अनुनाद इसका बनाते हैं संरचना, देखो लुईस बिंदु संरचना, उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखते हैं। ओजोन का कितना होता है, O3, तो ओ ओ और ओ ऐसा हो गया, तुम्हें तीन ओ हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर तो जाहिर के इसके जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी, 2.6 उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। तो दोनों को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे बॉन्ड इसका पूरा हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस प्रकार 4 हो गया और 2 इसके पास बच गया, 4 इसके पास बच गया। जो केंद्रीय परमाणु पर है उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा और इस ऑक्सीजन एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन गया। इस ढंग से इस ऑक्सीजन एटम का तो 4 इधर, 4 8, 4 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास और 8 भी इसका पड़ गया। अब इस ऑक्सीजन एटम का अगर इधर से भी हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से हो चुका है, 6 इसके पास पहले था और 2 इधर से बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जाहिर है यहाँ पर जो है हमको इसके पास 8 हो गया, तो इसके पास ऑक्टेट से 8 से ज़्यादा रख नहीं सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते ऑक्सीजन के पास, जिसके पास सिर्फ दूसरा कक्षा है जिस परमाणु के पास, वो अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता है। अष्टक का विस्तार 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन वही परमाणु रख सकते हैं जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे जिसमें थर्ड ऑर्बिट कम से कम हो, फोर्थ ऑर्बिट ये सब रहेगा। तो इसमें सेकेंड ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता, ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन नाइट्रोजन इन सब में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर 8 ही रहेगा। तो अब इस ऑक्सीजन परमाणु में कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 2 इधर दिया, तो 2 इसके पास अबंधित इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर जिसको कहते हैं उसके रूप में बच गया। तो यहाँ पर है एक लुईस बिंदु संरचना ओजोन की बन गई। तो ओजोन की बिंदु संरचना में हम लोग यहां देखते हैं कि इधर की तरफ डबल बॉन्ड दिखाया जा रहा है और इधर की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दिखाया जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर डबल बॉन्ड का जो होता है, तुमको जो बंधन लंबाई जो बॉन्ड पैरामीटर है उसके बारे में बात करें, ओ डबल बॉन्ड ओ होता है करीब करीब 121 पिकोमीटर का, और ओ सिंगल बॉन्ड ओ की जो बंधन लंबाई होती है 139 पिकोमीटर के आसपास, 138 पिकोमीटर इसके आसपास होती है। और जब ओजोन में जो कि प्रयोग करके स्पेक्ट्रोमीटर के स्पेक्ट्रोग्राफी से देखा जाता है, इसका जो कि टेक्निक से इसका जो है अध्ययन किया गया, तो इसका पाया जाता है बंधन लंबाई जो प्रयोग करके देखा जाता है इसका, तो इसकी 129 पिकोमीटर के आसपास आती है, जो कि दोनों का मध्यवर्ती है, जो ना तो 121 के आसपास है, जो ना ही 138-139 के आसपास है ये। तो जाहिर है कि इसका मतलब कि यह जो लुईस बिंदु संरचना है, यह इसके ओजोन के गुण का सही से उसके स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है। और इनफैक्ट कोई भी बिंदु लुईस बिंदु संरचना अकेले इसका क्या नहीं कर पाएगा, इसके जो कि ओजोन की संरचना है उसका अध्ययन उसके बारे में सही से बता नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए एक दी गई कि ओजोन ये जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है इसकी एक संरचना इसको नहीं परिभाषित कर पाएगी, बल्कि एक से अधिक लुईस बिंदु संरचना मिल करके इसके गुणों का क्या कर सकता है, अध्ययन कर गुणों को परिभाषित कर पाएगा। तो इन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग विहित अनुनाद संरचना कहेंगे, विहित संरचना।
और या अंग्रेजी में कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इस सबको कहेंगे। और जो एक्चुअल जो वास्तविक जो अणु होगा ओजोन का या किसी का भी, वह जब एक संरचना एक लुईस बिंदु संरचना उसको परिभाषित नहीं कर पाएगा, तो वास्तविक जो अणु होते हैं वह सबों का, सभी जो कि केमिकल स्ट्रक्चर से बनेंगे, आपको विहित जो संरचना बनेगी उसका क्या होता है, उसका और उसके मिलने से बनता है, उसका सभी का कुछ ना कुछ प्रतिशत उसमें उसके गुणों को मिल करके सब उसको पूर्ति करते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना तो पहला संरचना के द्वारा बनेगा ना ही दूसरा, तो ये हुआ जैसे ओजोन का ये हुआ तुम्हारा, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ओजोन का क्या दिखाते हैं, तो देखो ओजोन का जैसे अनुनाद संरचना को डबल हेडेड स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, जैसे ये अनुनाद संरचना का दूसरा जो कि स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए बीच में चिन्ह देंगे हम लोग डबल हेडेड, और इसमें जो है तीर से दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाता है। जैसे देखो इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ कर दीजिए तीर से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ रिटर्न कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो ये तुमको देखो दो अपने जगह, इसको तो कुछ नहीं किया गया ये यहीं रहेगा, इसमें दो चार इलेक्ट्रॉन थे दो को वहाँ रिटर्निंग का एरो दिया गया तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ओ का कितना हो गया तुमको, इसका तो चार छः हो गया, और यहाँ पर इसका जो है तुमको पहले से दो था ही, दो और आया तो इसका यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले डबल बॉन्ड इधर था अब डबल बॉन्ड इधर हो गया। तो ओजोन का जो संरचना ये दोनों मिल करके दोनों को परिभाषित करेंगे, और ये पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर मिल करके किसको परिभाषित करेंगे ओजोन को। और ओजोन का अगर इसको दिखाना चाहेंगे ओजोन का अंगार संरचना को, जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे कि यहाँ पर क्या बन गया दो है, तो डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं इसको, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक जोड़ा है, और यहाँ पर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो तीर का निशान लगा दीजिए आप, और ओ यहाँ पर हो गया इस टाइप से छः इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे दिखाइए, इसी को दिखा रहे हैं, इसको मतलब कि डॉट यहाँ बीच से हटा करके इसी संरचना को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ओ हो गया तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, यहाँ पर अभी कोऑर्डिनेट इधर कर दिए हम, तो इसके पास अब जो है ये पलट गया, ये छः इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास क्या हुआ इधर डबल बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके पास चार ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये तुम्हारा इस ढंग से क्या हुआ पलट गया ही, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इसके इसके बनने के लिए क्या किया हमने, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था और इसका दो इलेक्ट्रॉन इससे इसका बॉन्ड कर इसमें रिटर्न बैक कर, यही स्ट्रक्चर को फिर से बॉन्ड की मदद से दिखा दिए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ओजोन का क्या नहीं कर पाया ये, तो इस उदाहरण को बाद में पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जब एक लुईस या लेविस लुईस बिंदु संरचना जब एक लुईस बिंदु संरचना बिंदु संरचना एक लुईस बिंदु संरचना किसी अणु के गुणों को परिभाषित नहीं कर पाती है तो एक से अधिक बिंदु संरचना मिलकर उनके गुणों को परिभाषित करती है, उनके गुणों को परिभाषित करती है, परिभाषित करती है इन्हें, इन बिंदु संरचनाओं को विहित
अनुनाद संरचना कहते हैं वास्तविक अणु इन सभी संरचनाओं का रचनाओं का संकर, इसको हाइब्रिड भी कहते हैं, इसमें हाइब्रिड होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक संरचना कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, इसको नहीं परिभाषित कर पाता है, बल्कि एक से अधिक संरचना मिलकर के उसको परिभाषित करती है। जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के परमाणु में, जैसे यहां पर दिखाते हैं ओजोन का जो लिखा गया है, ये ओजोन का जो यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, परिभाषा हो गया, करती है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना अनुनाद कहलाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं यह घटना अनुनाद कहलाती है। रेजोनेंस कहलाता है इसको। तो यह मतलब वास्तव में मैंने क्या कहा कि ओजोन का जो यहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, उदाहरण के लिए यहां पर लिखते हैं उदाहरण, ओजोन में ऑक्सीजन की बंधन लंबाई एकल तथा द्वि आबंध की मध्यवर्ती होती है। इसलिए एक बिंदु संरचना ओजोन को ओजोन के गुण को परिभाषित नहीं कर पाती है। एक संरचना इसके गुण को परिभाषित नहीं कर पाती है। तो ये जो तुमको है, एक गुण को, इस संरचना इसके गुण को परिभाषित नहीं कर पाएगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये जो तुमको है परिभाषित नहीं कर पाती है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि एक से अधिक संरचना जो दोनों मिलकर के उसके गुण को परिभाषित करेगी, जिसको हम लोग इसको क्या कहेंगे? ओजोन की अनुनाद संरचना हो गई है। ये हो गई ओजोन की अनुनाद संरचना, ओजोन की अनुनाद संरचना। तो जो वास्तव में तुमको ओजोन, ये भी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं दिखाता है, कहीं सिंगल बॉन्ड, जबकि उसका बंधन लंबाई जैसा बताया अभी उसके बीच में होता है ना, सिंगल बॉन्ड के बराबर होता है डबल बॉन्ड के, तो इसका बंधन मतलब ये दोनों मिलकर के कभी इस मतलब इस दोनों मिलकर दोनों संरचना मिलकर के एक्चुअल संरचना कोई नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर के इसके गुण को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कभी जो है कहा जाता है कभी इस रूप में रहता है कभी इस रूप में रहता है, ऐसा भी नहीं कहा जाता है, बल्कि ये दोनों का मिक्सिंग करके अनुनाद उसी के बीच में उसका मध्यवर्ती होगा गुण, जो वास्तविक अणु होगा, जिसको हम लोग कहते हैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड अंग्रेजी में कहते हैं, या अनुनाद संकर। ये तुमको ये दोनों के मिलने से बनेगा। तो ये हो गया ओजोन की अनुनाद संरचना, और ये अनुनाद की परिभाषा हो गई। और वास्तव में ऐसा कोई साम्यावस्था नहीं होता कि कभी ये इस अन्य रूप में है कभी ओजोन इस रूप में है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों के मिलने से बनता है, ऐसा है। और ये दोनों का मतलब कि कभी, और इसमें ये बात ध्यान रखना पड़ता है, जब कभी भी इसमें जो है अनुनाद संरचना बनाने में कभी भी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान से बनेंगे, अपना जगह बदलेंगे, ना कि परमाणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। अनुनाद संरचना में कभी भी परमाणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, सिर्फ
जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो अपने स्थान को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर देखा, वो सिर्फ परमाणु अपनी जगह पर ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर, जिससे कि जैसे ऑक्सीजन के केस में कि 8 से अधिक अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ये सब जो परमाणु है जिसमें द्वितीय कक्षा तक ही होता है, कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। लेकिन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ये सब जो अणु है जिसके पास 3d ऑर्बिटल होता है या 4 में होता है, 3d खाली होते हैं, वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। तो इसको किसी कोई भी अणु संरचना ऐसा नहीं बना सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन के केस में या कार्बन के केस में जिसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, वो बिल्कुल अमान्य हो जाएगी, वह अणु संरचना गलत हो जाएगी। तो कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन इन सब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इन सबों को आप अधिक से नहीं कर सकते हैं। तो ये ओजोन के संदर्भ में ये समझ में आ गया होगा। कुछ और अणु संरचना बनाते हैं, तुम इस बोर्ड पर से लिख सकते हो इसको, तो इसको बोर्ड पर से लिख लो। तो बोर्ड पर से इसको लिख लेगा तो ओजोन का संरचना भी बना लेगा, पहले परिभाषा लिख लेगा उसके बाद उसको नोट कर लो, संरचना भी समझ में आ गया होगा। अब है तुमको कार्बोनेट का, तुमको संरचना बनाते हैं कार्बोनेट आयन का, लुईस बिंदु संरचना। कार्बोनेट आयन का लुईस बिंदु संरचना क्या होगा? तो कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या हो गया, सी हो गया बीच में सेंटर केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, और ओ तीन ओ हो जाएगा, और उसके मतलब O3 2-, तो दो जो ऑक्सीजन होंगे उस पर ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है तो उस पर दो ऋणात्मक आवेश दे देंगे, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, उसकी संरचना बन जाएगी। तो दो ऑक्सीजन परमाणु इसमें की हो जाएगा, एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पहले ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, 8 होता है, तो 2.6, तो इसका देखते हैं ऑक्सीजन कार्बन के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 2.4। ऑक्सीजन तीनों तरफ से दे दो इसको, देखो ये ऑक्सीजन हो गया, इधर की तरफ भी ऑक्सीजन हो गया, तो दो ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको माइनस अगर कर देंगे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसके पास तो 6 ही रहेगा। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, तो 6 रहेगा तो इसको 8 पूरा करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो 2 डबल बॉन्ड बना देगा ये। चलिए तो इसका हो गया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें 7 हैं तो इसमें एक एक यहां पर दे दिया, यहां भी तुमको क्या हो जाएगा, यहां भी एक एक दे देगा, तो यहां पर हो गया तुम्हारा, इसमें जो है तुमको इस ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका जो तुम्हारा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इसका इसका संरचना बन गया, और इधर O माइनस हो गया, इधर भी O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अगला जो अणु संरचना हम लोग बनाएंगे, जो कि डबल हेडेड एरो देकर के क्या दिखा सकते हैं इसको, अणु संरचना बनाएंगे अगला, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें से डबल बॉन्ड था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दो, तो यहाँ पर फिर O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मल चार्ज भी आ जाएगा, और एक ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको यहाँ डाल दो, और यहाँ ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो देखो ऊपर में नहीं किया तो यहाँ पर नहीं किया, तो 2 डबल बॉन्ड तो था ही, इसके पास 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक माइनस है यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड था अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तुमको इसमें माइनस चार्ज आ गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगला, जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा ये, अब अगला में स्ट्रक्चर में फिर करते हैं, इसका डबल बॉन्ड को हटा करके फिर इसको रिटर्न कर दो, और अब की बार ये जो है इसको डबल बॉन्ड बनाओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डबल बॉन्ड में डालो, यहाँ पर डबल बॉन्ड में डालो इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ सी हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा डबल बॉन्ड, यहाँ पर इन दोनों पर निगेटिव होगा, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये माइनस भी हो गया, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस भी हो गया। तो ये जो तुम्हारा हुआ कार्बोनेट आयन में भी देखो सब जगह क्या हो गया, ये कार्बोनेट आयन का रिजोनेटिंग स्टेप, रिजोनेंस ऑफ कार्बोनेट आयन, रिजोनेंस ऑफ कार्बोनेट CO3 2-।
ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का, रोजेनियंस हाइब्रिड हो गया, ये तुम्हारा तीनों जो एक्चुअल जो कार्बोनेट आयन होगा उसका क्या होगा तीनों का। तो किस ढंग से देखो, डबल मतलब पहले डबल बॉन्ड एक तरफ किए, फिर डबल बॉन्ड का जगह करते चले गए, बदलते चले गए। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, इस ढंग से स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन में क्या होगा, एक जगह ओ माइनस होगा, एनओ थ्री ओ माइनस, तो दो जगह पर तुम्हारा क्या हो गया, एक एक जगह पर सिंगल बॉन्ड मैंने सात इलेक्ट्रॉन वाला होगा, दो में छह इलेक्ट्रॉन वाला होगा, नाइट्रोजन में पांच इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, उसको भी बना सकते हो। तो ये सारे जो होंगे, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी इसमें जो है मध्यवर्ती और डबल और कोई भी डबल और सिंगल के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के जो बंधन है उसके गुण जो होंगे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के गुण के बीच में प्रदर्शित होंगे, और ये तीनों के मिल करके ये बनेगा संरचना। तो ये तुमको रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया तुम्हारा, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, या विहित अनुनाद संरचना, ये सब हो गया। और जो एक्चुअल कार्बोनेट आयन होगा इन तीनों के मिलने से बनेगा, तीनों मिल करके उसके गुण को परिभाषित करेंगे। तो कैसे डबल बॉन्ड तीर निशान तीर देकर के, तीर जब इलेक्ट्रॉन को जहां से हटाते हैं तीर, देखो जैसे यहां पर से क्या इलेक्ट्रॉन को इधर लेना था तो इधर तीर देंगे, यहां इलेक्ट्रॉन डालना है तो इधर तीर देंगे, तो तीर भी देने के लिए सीख लेगा ठीक से, और अनुनाद संरचना का प्रैक्टिस करेगा इसका। तो ये था तुम्हारा अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना में क्या बोले कि कुछ यह ध्यान रखेगा कि कभी भी कार्बन ऑक्सीजन इन सब का आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर किसी केस में जरूरत है कि आठ से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो हो जा सकता है, लेकिन कभी भी आठ से अधिक कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सबों को नहीं होना चाहिए कोई भी संरचना बनाएंगे। और अनुनाद संरचना में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर अपना स्थान, जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही अपना स्थान इधर से उधर डीलोकलाइज करते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, बाकी परमाणु कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा अनुवाद के बारे में कुछ जानकारी थी। और अनुवाद फिर हम लोग जो है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी जो बेंजीन वगैरह के काफ़ी अनुवाद संरचनाएँ उन सबों को फिर से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तुम इसको नोट कर सकते हो। तो कार्बोनेट आयन का तो और भी अनुनाद संरचना बता दिए, उसके बाद तुमको जो भी अनुनाद संरचना वगैरह का प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तुम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी और भी बुक से तुम राइट स्टूडेंट ऐप पर आकर के और भी क्वेश्चंस वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जो भी तुमको जहाँ दिक्कत हो रहा है, जहाँ भी समझने में परेशानी हो रही है, उसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट भी हमसे कर सकते हो, लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर ऐप पर आकर के तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में तुम अपना जो भी दिक्कत हो रहा है तुमको पढ़ाई करने में, जो उसमें किसी भी कंसेप्ट में हो या किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में, तो हमसे संपर्क कर सकते हो और क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, जो भी तुम्हें दिक्कत है पर्सनल हेल्प भी हमसे ले सकते हो, पढ़ाई के लिए जो भी दिक्कत होगा उसका दूर किया जाएगा। और कुछ जनरल क्लासेज भी हैं, क्वेश्चन वगैरह भी उसमें दिए हुए हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जा सकते हो, बना सकते हो। तो आगे का है तुम्हारा, अब आगे का काम है तुम्हारा दूसरा काम अनुनाद संरचना के बाद तुम्हारा है, जो टॉपिक है तुम्हारा दिया हुआ एक है तुमको जो सहसंयोजक बंधन है उसकी, वह जो तुमको बंधन बना एक देखते होंगे कि अगर आप एक जैसा परमाणु के बीच में बनता है, जैसे कि Cl2 बन गया, H2 बन गया, O2 बन गया, और एक सहसंयोजक बंधन बनता है जैसे HCl हो गया, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग परमाणुओं के बीच बनते हैं। तो ये जो परमाणु होते हैं तो दोनों को जो सहसंयोजन जो ध्रुवीय दोनों का जो एक परमाणु जो कि जो बंधन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अगर दोनों परमाणु एक जैसे होते हैं तो दोनों के एकदम बीच में मध्य भी रहता है, बीचों बीच रहता है। लेकिन जब एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है दूसरे परमाणु से, तो उस स्थिति में एक जो जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वह एक परमाणु के करीब चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि वह जो परमाणु जो कि दूसरा परमाणु है वह ऋणात्मक कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा विद्युतात्मक परमाणु बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है। जैसा कि तुमने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा, विद्युत ऋणात्मकता जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ भी ये बात बताया गया था। तो इस प्रकार से क्या आता है उस पर कुछ ध्रुवंता आ जाती है, जिसको पोलैरिटी कहते हैं, चार्ज का आवेश का कुछ ध्रुवंता आ जाता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से तुम ध्रुवंता के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक बंधन को दो भाग में बांट सकते हैं, एक हो गया अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो इसको लिख लेते हैं, ध्रुवंता हेडिंग देना होगा पहले, सहसंयोग बंधन के प्रकार कर देते हैं, चलो इसका हेडिंग पहले लिख लेते हैं, सहसंयोग बंधन के
की ध्रुवंता, चलो ध्रुवंता, पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवंता के आधार पर, ध्रुवंता के आधार पर सहसंयोजक बंधन को, सहसंयोग बंधन को, सहसंयोग बंधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, सहसंयोग बंधन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर हो गया ध्रुवीय सहसंयोग बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, नॉन पोलर होता है, ध्रुवीय का इंग्लिश हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और जब दोनों परमाणु सहसंयोजक बंधन से जुड़े, सहसंयोजक बंधन से जुड़ने वाले दोनों परमाणु सहसंयोजक बंधन से जुड़ने वाले दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता समान रहने पर, समान रहने पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के, दोनों परमाणुओं के बीच स्थित रहते हैं, के ठीक बीच स्थित रहते हैं, दोनों परमाणुओं के ठीक बीच स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं, ये इन्हें अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं, इन्हें अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का लेते हैं हम लोग, Cl है क्लोरीन का, जैसे कि तुम्हारा क्या है यहाँ पर दोनों परमाणु Cl2 जब बनेगा तो यहाँ पर जैसे कि तुमको 200 यहाँ पर 6 हो गया, एक एक का साझेदारी करेगा तो यहाँ पर एक दे दिया, और ये दोनों परमाणु एक जैसे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एकदम बीचों बीच रहेंगे, ये बंधित इलेक्ट्रॉन में दोनों, इन दोनों के बीचों बीच रहेंगे तो ये कैसा बंधन बनेगा, ये Cl2 दोनों एक ही प्रकार परमाणु, एक ही प्रकार परमाणु जाहिर है, एक अध्रुवीय हो गया, यह जो बंधन बना, यह जो बंधन बना ये कैसा हो गया, ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, चूंकि दोनों के एकदम बीचों बीच है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय सहसंयोग बंधन, नॉन पोलर, नॉन पोलर हो गया ये। तो एक ही परमाणु जैसे Cl2 है, O2 है, तो Cl2 हो गया जैसे O2, N2, H2 इत्यादि, ये सब उसका उदाहरण हो गया, तो अध्रुवीय हो गया ये। अब ध्रुवीय का बात करते हैं, जब ध्रुवीय सहसंयोग बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक, जब जब बंधन में भाग लेने वाले परमाणु, जब सहसंयोजक बंधन में, सहसंयोजक
बंधन में भाग लेने वाले दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं भिन्न होती है तो वे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ठीक बीच में स्थित न होकर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर खिसक जाता है जिससे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर दूसरे परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। इसे ध्रुवीय सहसंयोग बंधन कहते हैं आ जाता है इसे ध्रुवीय सहसंयोग बंधन कहते हैं इसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं ध्रुवीय सहसंयोग बंधन का, इसे उदाहरण ध्रुवीय सहसंयोजक HCl है तो H एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl भी एक देगा, लेकिन ये जो ध्रुवीय Cl की विद्युतात्मकता क्या है, HCl में Cl की विद्युतात्मकता ज्यादा है तो जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको Cl अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा। HCl में लिख लेते हैं HCl अणु में Cl की विद्युतात्मकता H से अधिक है इसलिए Cl परमाणु बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर अधिक आकर्षित कर लेते हैं जिससे Cl पर ऋण आवेश तथा H पर धन आवेश आ जाता है। H पर धन आवेश आ जाता है तो Cl पर ऋण आवेश और H पर धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये पोलर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हो गया। HCl किसका उदाहरण हो गया, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो जैसे कि इसको दिखाते हैं हम लोग किस ढंग से कि जैसे कि यह ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, इसको जो इसका मापेंगे कैसे, तो उसके लिए एक जैसे इस पर धन आवेश आ गया, जैसे H है और Cl है तो H पर क्या गया, कुछ इस पर धन आवेश आ जाएगा और उस पर कुछ छोटा अल्प धन आवेश और इस पर कुछ ऋण आवेश आ जाएगा इस पर।
तो ये जो तुमको कहे प्लस और माइनस जो आवेश होते हैं, जब कुछ दूरी से अलग होते हैं, तो इसको हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। जब इस तरह का जो संरचना जिसमें कि प्लस और माइनस आवेश जो कि बराबर परिमाण के हो, कुछ दूरी से छोटी दूरी से अलग रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विध्रुव कहते हैं। तो अब हम लोग जैसे द्विध्रुव को लिख लेते हैं, इसको तुम नोट कर लो, जैसे यहाँ पर और ध्रुवीय संरचना जब दोनों तो एक ही तरह का परमाणु होगा तो उसमें जो है कोई आवेश का आदान प्रदान नहीं हो, आवेश नहीं आएगा, तो वो ध्रुवीय नॉन पोलर होगा। जब क्या रहेगा तुमको एक जैसा हो जाएगा, दोनों अलग अलग प्रकार का होगा, तो उसमें ध्रुवनता आ जाएगी, तो वो ध्रुवीय बन जाएगा। तो इस प्रकार सहसंयोजी बंधन दो प्रकार के हैं, तो इसको भी नोट कर लेगा। तो इसको पूरा बोर्ड साफ ही कर देते हैं और अब द्विध्रुव पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, दो अलग अलग प्रकार के जो हैं आवेश आ गए, जैसे एक पर प्लस और एक पर माइनस, दोनों का परिमाण बराबर हो, तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है द्विध्रुव। और जिसका द्विध्रुव के द्विध्रुव डेवलप हो जाता किस में, ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन में, और ध्रुवीय में ध्रुवनता क्या रहती है, नहीं रहती है, तो उसमें द्विध्रुव बनने का संभावना नहीं रहेगा। तो अब है तुमको देखते हैं द्विध्रुव, इसको ध्रुवनता को मापने का एक के लिए ये तुमको देखो परिभाषित करते हैं इसको द्विध्रुव, इसको डाइपोल कहते हैं। दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग रहते हैं, तो वे द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, वे द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे प्लस और माइनस आवेश जब छोटे अल्प दूरी से रहेंगे तो ये द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर है तुमको H में कुछ प्लस आवेश आ गया और Cl में कुछ माइनस आवेश आ गया, यहाँ पर ऋणात्मक, तो ये तो कुछ दूरी से अलग है, बंधन लंबाई की दूरी से, ये बंधन लंबाई है उसके उतना दूरी से अलग है, ये बंधन लंबाई। तो इसमें जितना भी आवेश आया होगा तो आवेश गुना दोनों के बीच की दूरी, ये एक द्विध्रुव बन गया, डायपोल बन गया, HCl जो ध्रुवीय परमाणु होते हैं क्या हो गए, डायपोल का निर्माण करते हैं द्विध्रुव का। तो इसका ध्रुवनता को मापने के लिए एक हम लोग जो कहते हैं, एक हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित करते हैं, आवेश एवं उनके बीच की दूरी का गुणनफल, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते थे, म्यू बराबर क्यू डी, क्यू हो गया म्यू, हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, और क्यू हो गया तुमको आवेश, और डी हो गया आवेशों के बीच की दूरी हो गई डी। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसका जहाँ तक मात्रक जो होता है, सामान्यतः जो इसका मात्रक हम लोग व्यक्त करते हैं, इसको डीवाई कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक जो प्रचलित मात्रक द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, आवेश का कूलम्ब होता है, कूलम्ब मीटर होता है। एक
द्विध्रुव आघूर्ण का एक प्रचलित मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रचलित एक द्विध्रुव आघूर्ण का एक प्रचलित मात्रक, प्रचलित मात्रक डेबाई, डेबाई इसको डी से निरूपित करते हम लोग, डी से डेबाई है और एक डिवाई बराबर 3.33 गुना 10⁻³० कूलम का सी हो गया और इसका मीटर, ये कैपिटल सी है इसलिए कूलम मीटर, सीएम नहीं हुआ, सी सेंटीमीटर में सी होता है छोटा और यहाँ कूलम मीटर हो गया, ये तुमको इसमें होता है। इसके आधार पर माप सकते हैं जितना अधिक जिस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा वह अधिक ध्रुवीय होगा, यह इसका पैमाना होगा द्विध्रुव आघूर्ण और यह एक सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर मानी जाती है, मानी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे है तुमको ध्रुवणता, लेकिन दिखाने का जो तरीका होता है, जैसे देखो HCl है तो HCl है तुमको H पे कुछ प्लस आवेश हो गया और Cl पे कुछ माइनस आवेश आ गया। तो यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसको दिखाते हैं हम लोग कैसे करके, देखो यहाँ पर इस पे कुछ क्रॉस करके इधर से लाइन लेगा और ऐसे करके दिखाता है प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे करके दिखा देता है इसको, ये दिखाने द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाने का तरीका हो गया, ये यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ पर ये द्विध्रुव आघूर्ण को शो करना है, द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन इसकी दिशा इधर से इधर की ओर मानी जाती है, लेकिन दिखाते हैं हम लोग चित्र में इधर की ओर। तो जितना ज़्यादा मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी ध्रुवणता उतनी अधिक होगी। तो ये दो चीज़ पर निर्भर करेगा द्विध्रुव आघूर्ण, ये आवेश की अगर विद्युत प्राथमिकता ज़्यादा है एक तत्व के दूसरे से तो जाहिर है कुछ ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो ज़्यादा आवेश उत्पन्न होगा, और अगर बंधन लंबाई ज़्यादा है तो उसको दोनों को गुणा करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बंधन लंबाई छोटा है तो भी द्विध्रुव आघूर्ण कम हो सकता है। इस प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण दो तरह पर निर्भर किया कि द्विध्रुवात्मकता का अंतर अगर ज़्यादा है तो आवेश ज़्यादा उत्पन्न होगा, और परमाणु का आकार बड़ा है तो उसकी बंधन लंबाई ज़्यादा होगी, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो डिसाइड करता है कौन ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग एक एक का दूसरे से तुलना कर सकते हैं, जैसे कि अब तुमको जैसे कि तुमका किसका होगा तो जैसे HCl है HF है तो उसका बंधन लंबाई जैसे HCl का जैसे विद्युतात्मकता फ्लोरीन का कम है, फ्लोरीन का विद्युतात्मकता ज़्यादा है लेकिन उसका आकार क्लोरीन से कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिसाइड करेगा किसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगी। तो ये तुम्हारा हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का, तुम्हारा हो गया द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है और ये तुमको मेजर करता है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर हो जैसे कि तुमको बी जैसे कुछ अणु है जिसकी विद्युतता अलग भी हो लेकिन इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं, हो सकते हैं। जैसे तुमको देखो BeCl2 है, Be इधर हो गया और Cl इधर हो गया, तो अगर इसकी विद्युतात्मकता जैसे ये सदिश राशि है तो ये अगर इसकी इसमें कुछ प्लस हो गया इसमें कुछ क्या हो गया माइनस हो गया तो यहाँ पर द्विध्रुव तो उत्पन्न हुआ लेकिन यह तुमको इस ढंग से व्यवस्थित है कि यह तुमको जितना इधर की ओर गया है जितना इधर जितना इसका दिखाएंगे इस साइड होगा द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, तो इसका नेट म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा शून्य हो जाएगा, इसका म्यू का जो वैल्यू आ गया द्विध्रुव आघूर्ण जो हो गया इसका नेट शून्य हो जाएगा। इसी तरह की अवस्था होती है जैसे कि हम लोग BeCl3 का बनाएं, BeCl3 तो BeCl इधर गया Cl इधर गया Cl इधर गया, ये भी सिमेट्रिकल टाइप के स्ट्रक्चर हैं तो यहाँ भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ B प्लस होगा और Cl माइनस आएगा, लेकिन तीनों तरफ जो है एकदम सिमेट्रिकल फैला हुआ है तो इस स्थिति में भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है शून्य हो जाता है। जैसे CH4 है चतुष्फलकीय तुम्हारा संरचना बनता है कार्बन का चार, जैसे H इधर है H इधर हो गया एक एच इधर हो गया और एक इधर हो गया, समचतुष्फलकीय जो संरचना बनेगी इसमें भी तुमको क्या हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। CCl4 भी जैसे हो गया CH4 का हो गया दूसरा क्या कर सकते हैं CCH की जगह क्या रहता है अगर CCl4 में भी क्या हो जाएगा इसका म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, लेकिन जब देखो जल है जैसे जल का द्विध्रुव आघूर्ण होगा
क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन होगा तो इसका जो है आकृति इस ढंग से होता है कि इसका जो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है, तो उसकी आकृति को भी ये निर्धारित करने में मदद करता है द्विध्रुवाघूर्ण, कि अगर द्विध्रुवाघूर्ण जैसे कट जा रहा है तो उसका मतलब सिमेट्रिकल टाइप का होगा, और द्विध्रुवाघूर्ण कम है, जैसे कि हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसकी आकृति को पढ़ेंगे, जो संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है उसको देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है तुमको ये जो है संरचना बनती है, ये द्विध्रुवाघूर्ण से भी निर्धारित होती है। जैसे कि इसमें देखो ये रैखिक है तो ये इसको कट जाएगा, जैसे तुम्हारे बुक में एक HgCl2 भी उदाहरण लिखा होता है, HgCl2 भी क्या होगा, Hg इधर होगा, ClCl इधर होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, ये तो μ0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, तो द्विध्रुव तो बनेगा लेकिन द्विध्रुवाघूर्ण क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहाँ भी द्विध्रुव बन रहे हैं, यहाँ भी प्लस माइनस हो रहे हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर सब जगह माइनस है, सब जगह यही बात है, यहाँ पर माइनस है, तो द्विध्रुव तो बन रहा है लेकिन द्विध्रुवाघूर्ण इसका क्या जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। एक तुमको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया हुआ है NH3 और NF3 का। NH3 और NF3 में क्या होता है, NH3 का द्विध्रुवाघूर्ण ज़्यादा होता है, NF3 का कम होता है, जबकि NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 से कम होता है, चूंकि अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की ध्रुवणता एवं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की ध्रुवणता बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की ध्रुवणता अलग अलग दिशा में होती है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा NF3 में भिन्न किंतु NH3 में समान होती है। तो जैसे कि तुमको यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे NF3 दो मॉलिक्यूल हैं, तो NH3 NF3 जैसे है तुम्हारा, यहाँ पर मान लेते हैं कि बनाएं NH3 NF3 का तुम्हारा, जैसे कि चलो इसको यहाँ पर तो लिख लिया, इसको मिटा कर रहे हैं, लिख लो, इसको नोट कर लेगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख लेगा। तो जैसे कि NH3 NF3 का स्ट्रक्चर देखो बनाते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, तो NF3 है, जैसे N यहाँ पर है और F जैसे यहाँ पर तीन तरफ से हुआ, F होगा ऐसे, तो इसमें क्या है कि F ज़्यादा विद्युतात्मक है और N क्या है, कम विद्युतात्मक है, तो इस पर धन आवेश आ गया और इस पर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। तो यहाँ पर जो है NF3 में क्या होगा, इसमें धनात्मक ये जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, इधर जाएगा, और लेकिन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो गया, इसका जो नेट होगा तुम्हारा, इसका जो कि एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ इसके पास है तो ये भी रहेगा तुम्हारा, तो यहाँ पर जो दोनों की दिशाएं जो होगी इसके कारण इसका जो है तुमको भिन्न भिन्न होने के कारण ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है, इसका जीरो नहीं हो पाएगा, बहुत कम होगा। लेकिन NH3 में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, देखो HH में जब जाएगा तो HH में क्या होगा, H ज़्यादा विद्युतात्मक और N कम ज़्यादा विद्युतात्मक और FH कम है, तो इस बार जो इसकी दिशा हो जाएगी ये ऐसी हो जाएगी इसकी दिशा, तो ये तुमको दिशा ऐसे पलट जाएगा इसका और इसका तुमको ऐसे रहेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसकी ज़्यादा, इसका मतलब NH3 का ज़्यादा होता है, NH3 का म्यू ज़्यादा है NF3 से, ये तुम्हारा इसका निष्कर्ष हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया मतलब ये विद्युत ध्रुवणता और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हो गया, जिसमें कि क्या हो गया, जिसमें कि दोनों एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, जब दो प्रकार दो भिन्न भिन्न प्रकार दो भिन्न विद्युतात्मकता वाले परमाणु से बंधन बनेगा तो वह कैसा होगा, और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होगा, और ध्रुवीय के बाद अगर तुमको डायपोल जो द्विध्रुव आघूर्ण जो द्विध्रुव एक प्लस माइनस के कारण द्विध्रुव उत्पन्न होता है बराबर विपरीत आवेश के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण को अगर शून्य हो जाए, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जैसा कभी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ भी है बोर्ड पर, तो उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में द्विध्रुव अगर ध्रुवणता होते हुए भी उसका म्यू का वैल्यू शून्य हो जाता है तो उसे अध्रुवीय ही कहेंगे हम लोग, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण ही ध्रुवणता को मेजर करने के मापती है
और जैसे कि तुमको BCl2, BCl3, तुम्हारा वैसे अभी CH4, CCl4, इन सबों की म्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो उसे हम लोग अध्रुवीय परमाणु के अंतर्गत ही रखेंगे। और जिसमें कि जैसे कि NH3 से ध्रुवीय हैं, H2O ये सब क्या रहेंगे, ध्रुवीय होंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया तुम्हारा, ये ध्रुवीय परमाणु हो गए। तो इस तरह से तुम्हारा ये लेक्चर तो हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे संयुक्ता कोष, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तुम लोग जब जिसको भी किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो, कहीं भी पर जो वीडियो लेक्चर हो या किसी चीज़ कोई क्वेश्चन बनाने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लाइव क्लासेस उसमें ज्वाइन कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए हुए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तुम उस पर ज्वाइन कर सकते हो। एक साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।